कल एक ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट उसमें दो लोगों की जाने गई थी और दो लोग माइनर घायल भी हुए थे। इसमें पुलिस ने जो है कार्रवाई की है और उस प्रोमाइसिस को सील कर दिया गया है। उसके बाद एक्सप्लोजन के कारणों की और घटना की जो है पुलिस के द्वारा जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से जांच करवाई जा रही है। हम देख लेंगे इसमें किस कारण से हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय है, चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। इसमें हमने एक रिपोर्ट मांगी है, लेबर कमिश्नर से एक रिपोर्ट मांगी है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ विस्फोट हुआ था जिसमें दो लोग की मृत्यु हुई थी, दो श्रमिकों की और दो घायल हुए थे। आप देखते हैं कि अभी तक 5 दिन हो गए हैं, प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिए कि इतने बड़े स्तर पे वहाँ 10 से 12 स्टील कंपनियाँ हैं, जब भी कोई चोटिल होता है उसे सीधे नजीबाबाद ले जाया जाता है, उसे यहाँ के प्राथमिक उपचार भी नहीं दिया जाता। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। और मैं मांग करता हूँ कि सबसे पहले श्रम विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उनको यहाँ तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्हीं की मिली भगत के कारण 10 वर्षों से यह खेल चल रहा है।